श्याम राम चंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नाम ही नाम चरित श्रीमानस गावै सुनै मन पावै पारस। चरित राम के पवरित लागे जैसे गुड़मा लाड़ू पागे। घर घर गावे नर नारी राम पिता वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकाय यमन भज गणपति गणराज कुमति कलश कटे। 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 कुमति कलश कटे हो रामा बिगड़ी बनत बने अरज कर जो मन भज गणपति गणराज कुमति कलश कटे। महादेव पार्वती माई शेष शारदा मुनि गुनि गाई मुनि गुनि गाई मुनि गुनि गाई मुनि गुनि गाई मुनि गुनि गाई। हाथ का स्वर्ण पेट बड़ा भारी गावत ध्यावत नर गुनि गाई अरज कर जो यहो गणराज विनय कर जो यहो गणराज। यहो मन भज गणपति गणराज कुमति कलश कटे। यहो मन भज गणपति गणराज कुमति कलश कटे। लड्डू बनेवा मुसो सवारी जी रिद्धि सिद्धि सेवा रिद्धि सिद्धि
सिद्धि सिद्धि सेवा सिद्धि सिद्धि सेवा सिद्धि सिद्धि सेवा सोवत चार भुजाए के दंता स्वामी गजानन सुध बुध अंत कारज कर जोर यहो गणरारा विनय कर जोर यहो गणरारा मन भज गणपति गणराज कुमति कलश कटे यहो मन भज गणपति गणराज कुमति कलश कटे कुमति कलश कटे बने अर्ज कर जो यहो गणराज विनय कर जो यहो गणराज यहो मन भज गणपति गणराज कुमति कलश कटे 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 श्यावर राम चंद्र शंकर हरिओ बोले श्यावर राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय प्रेम से बोले गजानंद महाराज की जय निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जब तक नभ में चंद्र सूर्य गंगा जमुना में पानी तब तक अमर रहेगी तुलसी तेरी राम कहानी अमर प्रीति को पड़ बनने अमर हरि का दास धन्य तुमको धन्य थी धन्य तुलसीदास तुलसीदास जी के चरण कमल पंदाओ बारम बार गुन गाऊ सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो भैया थोड़ा बनाना है आवाज खींचा थोड़ा बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय आवा छत्तीसगढ़ के पवित्र पावन धरती ग्राम कन्हेरा में तीन दिवसीय मानस महोत्सव के सुंदर आयोजन रखे हैं जेमा राम रसिया मानस मंडली ग्राम चमारी नवागढ़ला राम कथा कहे के राम कथा में डुबकी लगाए के राम कथा सुने सुनाए के सु असर दे हो एकर खातिर समस्त ग्रामवासी कन्हेरा भगीरथ भगीरथ प्रयास करिया मोर आयोजकगण अपन गुत्र गुत्र बोली ले दिशा निर्देश करिया आदरणीय श्री संचालक महोदय जी आओ हंस के समान बैठे निर्झीर के करिया निर्णायक गण माइक्रोफोन के माध्यम से सुदूर अंचल तक राम कथा ला पहुंचिया माइक्रोफोन वाले भैया आप सबों के चरण कमल मा राम रसिया मानस परिवार को ले सादर प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है आवाओ प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों के सादर स्वागत है अभिनंदन है वंदन है प्रस्तुत प्रसंग लंका कांड से अवतरित थी कथा के शीर्षक है राम रावण युद्ध आवाज जाने के प्रयास करथन राम चैत्य मानस में चार जन वक्ता चार जन श्रोता और चार घाट भगवान शंकर माता पार्वती ला ये पावन कथा सुनाई ये कैलाश पर्वत में और ये ज्ञान घाट की कथा है काकभसुंडी जी महाराज गुरु जी ला कथा सुनाई से नीलगिरी पर्वत में सुनाई ये उपासना घाट की या केवल जी भरद्वाज ला कथा सुनाई ये बद्रिका आश्रम में ये कर्म घाट की कथा है तुलसीदास जी महाराज गंगा जी के किनारे में अपन मन ला कथा सुनाई ये दैन्य रूपी घाट हरे कोनो कोनो तुलसीदास जी महाराज ने पूछी कि रामचरित्र मानस में चार ही घाट का बहेगी तुलसीदास जी महाराज बताई हमार पुरखा मन
हमार सनातन मन, हमार गांव के सेनहा मन, बुद्धिजीव मन जब तरिया बनावे तो तरिया के चार ठन घाट होवे। अब वो तरिया चार ठन घाट में तीन ठन घाट गहरा होवे और एक ठन घाट उथली रहा जिला गड्ढा और ढनी खान है। जेन घाट ला गौ घाट है, जेन डहर मेड़ मन मजबूत रहा है, जेन डहर गड्ढा रहा है, जे डहर घाट बने उला घाट के नाम से जाने और जेन समतल रहा है बराबर रहा है उला गौ घाट। वही प्रकार से रामचरित मानस ला मान सरोवर की। जब हम मंदिर में जाथन तो हमला स्वच्छता के ध्यान रखे लगते, नहाय नहीं होगा मैं मंदिर नहीं जाऊं। लेकिन राम कथा सुने पर हमला स्वच्छता के रखे ध्यान नहीं है। राम कथा एक मान सरोवर है और ये मान सरोवर सरोवर रूपी कथा में आके हम खुद ही पवित्र होते हैं। आवाओ आज लंकापति राजा रावण और राम की युद्ध चला था। ये युद्ध परंपरा आदि काल से चले आवा था। आज युद्ध हुआ थी कोई बात नहीं है, सदियों से लड़ाई झगड़ा हुआ था। पहली मन अपन आप बड़े बने बर युद्ध कर है। अहम अपन अहम के पूर्ति करे बर युद्ध कर है। लेकिन वो सबसे हटके राम रावण की युद्ध अन्याय के प्रति न्याय की जीत, बुराई के प्रति अच्छाई की जीत, असत्य के प्रति सत्य के जीत, ये राम रावण की युद्ध है। भगवान परमात्मा राघवेंद्र सरकार नहीं चाहती से कि युद्ध हो जाएगी। लेकिन आज लंका में सुख संपत्ति सुध सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बढ़ात जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। दस चीज लंका में निरंतर बढ़ोतरी से तेकर बाद भी रावण के जीवन में मोह तेना नहीं हटी। भगवान ज्ञान हरे, रावण तेन मोह के रोगी हरे और आज मोह के माध्यम से भक्ति रूपी सीता ला पाए के ओकर जीवन में प्रबल इच्छा रही। और भक्ति रूपी सीता ला पाए के प्रबल इच्छा के कारण ही आज लंका कांड के पावन प्रसंग ला युद्ध कांड के कथा कहे गए। भक्ति ला पाना है तो लड़ाई झगड़ा द्रोह विद्रोह से भक्ति ला प्राप्त नहीं करे। भक्ति ला पाए बर सत्संग के जरूरत है, विश्वास के जरूरत है। लेकिन आज रावण बहुत बड़े योगी रही से, योग साधना भी करत रही से और योग साधना करके वो तो अपन पेट में ऐसे सृष्टि की रचना करे है कि हमार मानस कारण बताती कि अपन पेट में वह अमृत के कुंड ला बसा रखे, अमृत के कुंड बना रहे। तो अमृत के कुंड वही का चीज वह प्रसंग में रामचरितमानस में त्रिजटा ला माता सीता पूछी दाई सी त्रिजटा रावण मरत काबर नहीं है कि थे। तो त्रिजटा हा सीता ला की थे तोरे से इतनी मरते कि थे मोर से थी। अब मैं यहां तो अशोक वाटी का बैठे मैं कहे नहीं जाना दाई मोर से थी काबरी की थी। तो रावण हा अपन अंतःकरण में तोला बैठा कर रखे और ते रामला बैठा के रखे है और राम के अंतःकरण में पूरा ब्रह्मांड बैठे हुए हैं। तो रावण कैसे मर ही तो मर भी नहीं करे दाई रावण है किथे नहीं मरा है रावण है मर ही कब मर ही जब व्याकुलता हो के तोला वह त्याग जही भूल जही तब कहीं रावण है तिन्हा मर ही। आज जिन प्रसंग ला हमला परोसे बर कहे है वो महा अजय संसार रिपु जिति सकई सो वीर जाके असरत होई दीड़ सुनो सखा मत धीर। भगवान राम के पास कोई अस्त्र शस्त्र या रथ नहीं, रावण रथ में बैठे हैं और रावण के रथ धराशाही हो सकते लेकिन भगवान के रथ कभी धराशाही नहीं हो सके। काबर नहीं हो सके वो कर रथ वही हरे जेन रथ हरे धर्म के रथ, धर्म के ध्वजा फहराए बर ही आज राम रावण की युद्ध हुआ थी।
आवा आगे का होते एक भजन के बाद भरोसे के प्रयास करो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आदमी के चेहरा ला आदमी सोचन तू बोलना बताई घर के बोझला पटिया सोचन तू धरन बताई समुद्र के गहरा समुद्र के गहरा समुद्र के गहरा कोकड़ा सोझन तू हंसा बताई हो बोला हंसा बताई भरा लाख चरसी भरा जिहल पही भरा आली बाली
आइए बंधुओं पुनः कथा प्रसंग में सौरद धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील तीर्थ ध्वजा पताका। रामचरितमानस में छठन गीता बता है जेमा के ये छठवा नंबर के गीता हरे इला विभीषण गीता के नाम से जाने जाते हैं। सौरद धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील तीर्थ ध्वजा पताका ये विभीषण गीता में के प्रसंग हरे। एक रामचरितमानस ला प्रयोग के ग्रंथ के है और गीता ला वियोग के ग्रंथ कहे गए हैं। रामायण प्रयोग के ग्रंथ है, गीता योग के ग्रंथ है, महाभारत वियोग के ग्रंथ करे। रामायण हमला जिए बर सिखाते, गीता हमला मरे बर सिखाते, महाभारत जीवन में रोए बर सिखाते। ये रामचरितमानस के महिमा हरे जैन प्रसंग ला हम आप तक परोसे के प्रयास करथन। ये विभीषण गीता कह रहे रावण सदा आज ही नहीं वो जब से जन्म लेकर है तब से ओकर जीवन में मृत्यु के भय बने हुए हैं। आज रावण रावण मन तीन भाई रावण कुंभकर्ण और विभीषण रावण मोह के प्रतीक हरे। कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक हरे। विभीषण जी महाराज जीवाचार्य हरे। औ ये मन तीनों भाई भगवान ब्रह्मा के तपस्या करीस। अब तीनों भाई ब्रह्मा के तपस्या करीस ता भगवान ब्रह्मा खुश होके ये मतलब वरदान मांगला वरदान मांगला कहीं। अब भगवान जब वरदान देवर कृष्णा ता संग में भगवान विष्णु ला लेके गीस। अब दोनों जने वरदान देवर की तो रावण जब देखी से मल्ला तो ये देने वाला मन के तो नवे मूड है। एक चतुरा नान है एक पंचा नान है लेकिन मैं तो दस मुख वाले हूँ। अपन आपला बड़े समझी और बड़े समझी और ब्रह्मा जी कही कि रावण तोड़ तप तपस्या से हम भूषण भैया वरदान मांगले के लिए। तब रावण ब्रह्मा जी के सामने रखी कि हम काहून के मारे ना मरे। ब्रह्मा जी किस नहीं नहीं रुक भैया रुक रुक जो ये सृष्टि में आए बोले निश्चित मरे चले लगी ऐसे वरदान तय मत मांग कही। तब मरे चले लगी हाँ तब बड़ा सोच के रावण कही कि बानर मनुज जाति दुई मारे। बानर मनुष्य ला बिल्कुल हल्का समझी रावण और बहुत कमजोर और हल्का समझ के ओकरे हाथ में मृत्यु मांगी। तब कुंभकर्ण के पारी आई तब कुंभकर्ण के कुंभकर्ण तो चाहती से मैं इंद्र के सिंहासन ल प्राप्त करूं इंद्रासन ल प्राप्त करूं या एक दिन सुता छह महीना जागा। लेकिन सारत सारत प्रेरित तासमती फेरी माता शारदा होकर बुद्धि ला फेर दी और बुद्धि ला जब फेरी तब वह एक दिन सूता और छह महीना जागा तीन उल्टा हो गया। एक दिन जागा और छह महीना सूता हो गया। ये मतलब वरदान दे के बाद भगवान विभीषण जी के पास में गए। गए विभीषण पास मुनि कहो पुत्र वर मांगा हो। जब विभीषण के पास गई ब्रह्मा जी है और कही कि पुत्र तहो वरदान मांगले। तब रावण और कुंभकर्ण की थी कि देखा था उकर पास में जाके बोला पुत्र कहा थे कहामन होकर बेटा रोहन मन में बोला संदेह हुई। आओ सुंदर विभीषण जी महाराज कही कि मुला मोर जीवन में कुछ नहीं चाहिए प्रभु आप देना ही चाहता था तो गए विभीषण पास मुनि कहो पुत्र वर मांगो मैं मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। मोला जन्म जात भगवान के चरण कमल में प्रेम चाहिए प्रेम चाहिए प्रेम चाहिए। यही विभीषण जी महाराज भगवान से मंगी। आज भगवान के प्रस्तुत प्रसंग में सुग्रीव जी महाराज भगवान राम ल देखते तो भगवान राम बिना रथ के है रावण रथ में चढ़े हुए है। ये जीव के सहज स्वभाव हरे और सहज स्वभाव के कारण
सखा धर्म में असरत जाके जीतन कहन कतौ रिपु ताके। भगवान के तीन जन्मितान निषाद राज, बानर राज और राक्षस राज, तीन जन सखा। निषाद राज तीन उच्च कोटि के सखा हरे और बानर राज है वो मध्यम किस्म के हरे। भगवान ला पाए के बाद भी भगवान कर धन संपत्ति मांगी और उत्तम कोटि के मितान हरे तो विभीषण जी महाराज हरे जिन बिना मांगे लंका के राज्य ला प्राप्त कर ली। और लंका के राज्य प्राप्त करे के बाद आज भगवान तो रावण की जीते जिये लंका के राज्य विभीषण जी महाराज सौंपते है। महा अजय संसार रिपु जीते सकाय सो वीर जाके असरत होई दीर। सुनाओ सखा मति धीर, सुनाओ सखा मति धीर। आज धीर बुद्धि वाले सुग्रीव जी महाराज रावण ल देखते और रावण ल देखते भगवान राम ल देखते मन में चिंतन करते और का चिंतन करते आओ एक भजन के बाद पुनः परोसे के प्रयास करबो। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
जय। आवा आवा आज रावण है तेन जान चुके हैं कि अब मोर लंका आज तक अजय रही से, लेकिन अब पराजय के मुख मुला देखेला मिल ही। काबर लंका रावण हा यज्ञ कर रही से, ऐसे रामचरितमानस में चार यज्ञ हो है, पृतोष्ट यज्ञ, धनुष यज्ञ और अपावन यज्ञ मेघनाथ करे है, और पंच कर्म यज्ञ रावण करे है, जेकर से रावण ला लंका नगरी के लिए सुरक्षा प्रदान करते है। लेकिन लंका में चार दरवाजा रही से, लंका बांकरे चार दरवाजा, अब ये चार चारों दरवाजा में अपन पुत्र मल्ला बैठारी रही से, कावर बैठारी से कि एक कर्म से कोनो भी योद्धा पराजय नहीं कर सके। पहली भोग द्वार, संग्रह द्वार, संरक्षण द्वार और सम्मान द्वार, ये चार छन दरवाजा रही से, और भोग द्वार पश्चिम दिशा में रही से, जिला मेघनाथ लबिठारी जिन काम के प्रतीक हरे, ये दरवाजा हनुमान जी महाराज तोड़ी रही से, संग्रह द्वार ये ला अतिकायल बैठारी से, ये दरवाजा ला अंगद तोड़ी से, संरक्षण द्वार यहाँ देवान देवान तक ला बैठारी से, ये दरवाजा ला नील हथ तोड़ी से, और सम्मान दरवाजा ये योद्धा रही से महोदर जिन दरवाजा ला नील हथ तोड़ी से, नल नील और अंगद हनुमान जी जैसे बानर मन जब लंका के चार दरवाजा ल तोड़ी तो रावण जान चुके इसकी अब रावण तेन लंका है तेना अजय नहीं रही। अब रावण ल कहूं समझना है दाई हो तो एक दृष्टांत के माध्यम से आप समझाए के प्रयास करता हूं। एक परिवार में रावण आए का चीज, रावण ला 14 आदमी 17 बार समझाई से कहते रामचरितमानस में हमारा व्याख्या कर मर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 7 आदमी रावण ला समझाए है, अने बार बार कहना बार बार बोलना और नहीं मानना ही रावण है। एक परिवार में एक महतारी के 3 जन बेटा रहे, अचानक उस सियनहा के मृत्यु हो गई, घटना राजस्थान के यहाँ है छत्तीसगढ़ के, और सुंदर सबो जन मिलजुल के सेना के दसगात्र करी, दसगात्र क्रिया करे के कुछ दिन बाद अपन बड़े बेटा ला सेनहिन थे, जा बेटा गंगा में तो पिताजी के अस्थि ठंडा करके आ जा, तब अगर बड़े बेटा की थी कि मैं ऐसा गंगा जमुना में आस्था नहीं रखा, मैं ठंडा वंडा करे बल नहीं जाऊं। फिर दूसरा नंबर के बेटा लकी थे तो ठीक है भाई, अब बड़े भाई नहीं जाते मैं ही चल देता हूं, ऐसे की के पर दूसरा नंबर के भाई की अपन पिताजी के अस्थि धर के, अब अपन पिताजी के अस्थि धर के की तो वह वहां से 16 किलोमीटर गंगा जी रही से, कहां से होकर गांव से, अब 12 किलोमीटर में जब गीस गीस था एक नदी पर, और नदी पर ही तो वो लड़का साइकिल उतरी संबंध विचार करे लग गए, का विचार करते कि नदी जा के गंगा जी में मिले हैं, तो यही नदी में पिताजी ठंडा कर देता हूँ, वो गंगा में जाके वहां शामिल हो जाए, फिर ठंडा कर देते और घर में आ जाते, विधि विधान से पूजा पाठ करते, 2-4 दिन के बाद में पिताजी हा अपन धर पत्नी के सपना में आते, और सपना में आके कहते कि मंडलीन ते कैसे कैसे पुत्र ला पैदा करे है, बड़े बेटा कहे तो धर्म में आस्था नहीं रखी और ले दे के दूसरा नंबर जाबो करी, तो वह गंगा जी के बजाय वो नदी में ही ठंडा करके आ गई। और जब सुबह होते तब अपन बेटा मल्ला बलाते, और बेटा मल्ला बला के जो दूसरा नंबर के बेटा रहते थे लगी थे कि तोर पिताजी रात का सपना में आ रही बेटा, काते तो पिताजी ला नदी में ठंडा करके आया है, तो दूसरा नंबर के बेटा अपन माँ लगी थे, माँ
पिताजी के पागलपन जियत में नहीं गिते नहीं गिस। पिताजी के पागलपन जियत में नहीं गिते नहीं गिस। ओकर मरे बाद भी ओकर पागलपन नहीं गिस। जब 12 किलोमीटर दूर ले आके तोला सपना दे सकते हो, 12 किलोमीटर दूर ले आके तोला सपना दे सकते, तो 4 किलोमीटर दूर में गंगा है, जाकर ठंडा भी हो सकते। बोलिए श्यावा रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण और जिन धर्म में आस्था रखी तेने रावण हरे, फिर विभीषण जैसे पुत्र जिन अपन परिवार के लिए, अपन माता पिता के लिए पूरा क्रिया करते, पिंड दान करते और पिंड दान करके अपन फूल के दीपक लाके बढ़ाते, यही रावण कुंभकर्ण और विभीषण के कथा हरे। जिन धर्म में कर्म में आस्था नहीं रखा है, आवा हुआ आगे गावते एक भजन के बाद परोसे के प्रयास करबो। बोलिए श्यावा रामचंद्र जी। श्यावा रामचंद्र शंकर हरिओ,
सुर संग संगवारी अपन सखा सुग्रीव ला सुंदर उपदेश देथे बताथे कि महा अजय संसार रिपु जिति सकय सो वीर जाके असरत होई दीड़े सुनाऊ सखा मद धीर। हे मित्र हे सखा सुग्रीव जी महाराज ला मन में शंका हुई कि रावण है तेन रथ में सवार है भगवान राम निहत्था है पैर पैर में चरण पादुका भी नहीं है कुछ भी नहीं है न रथ भी नहीं है ये रावण ला कैसे जीत सकते ऐसे मन में संदेह होते तो बोला सुंदर गीता में जिन प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह ला खत्म करे है गीता के ज्ञान दे के वही प्रकार से उपदेश अपन मित्र सुग्रीव जी महाराज ला भगवान राम हेते देते आओ भगवान के उपदेश ला सुन के भगवान के भगवान बड़ा दयालु है भगवान बड़ा कृपालु है यही विभीषण जी महाराज ला रावण लात मार के लंका ले निकाली से ता जैसे ही लंका ले लंका में दो जन संत रही से एक रही से त्रिजटा दूसरा रही से विभीषण जी महाराज अब विभीषण जी महाराज ने जैसे लंका से लात मार के निकाली ना तो लंका और लंकनी मन के उम्र रहते कम हो गए वही दिन ले और जब मारी लात मार के निकाली त्यागी भाई ला तो छह बात की सूचना कर भगवान के पास की जिन चरणन के चरण पादुका भरत रहे मन लाए आज मोर भाग धन्य है प्रभु जिन भगवान की चरण कमल ला भरत जी महाराज अपन सिर में धारण करके अयोध्या के संचालन करते थे वो चरण के आज मोला दर्शन हुई ऐसे छह बात ला मन में चिंतन करत भगवान के दल में गिस और जब भगवान के दल में कृष्णा तो यही सुग्रीव जीवाचार्य जी महाराज भगवान राम लखी की लंकेश के लघु भ्राता आए कोई बात नहीं सरलता से बोला सहज स्वागत के साथ हमार दल में ले आओ हो सकते कई भेद लाबर आए हुई था एकर बात ला कौन का है विभीषण के बात ला कौन का है रावण भी कहीं आ जाही तो ओला भी मैं अपन शरण में रख ली हूं तब सुग्रीव जी कही आप तो रावण के जीते जियत विभीषण ला लंका के राज्य देवा था और कहो रावण कहीं आ जाही तो कही कि मैं बोला अयोध्या के राज्य दे दूं अयोध्या बिना राजा के ये भगवान राम दयालु है ये भगवान राम कृपालु है जिन आज भगवान अजय भगवान तो नर लीला करत है आओ नर लीला करके भगवान की एक बांसी ही रावण के अंत्येष्टि हो सकते लेकिन आज भगवान नर लीला करके विभीषण जी महाराज जीवाचार्य हरे जैसे लकड़ी ला काटे वाल लकड़ी की आवश्यकता पड़ते तो जीव के ही माध्यम से जीव के अंत करे के श्रेय
भगवान स्वम नहीं लेवा और भगवान राम रावण ला सरलता से नहीं मारे बल्कि वाला 31 बाण से मारे हैं। भगवान राम रावण के 10 सिर ये बुद्धि के प्रतीक हरे, 20 भुजा ये कर्म के प्रतीक हरे और यही 10 सिर बुद्धि के में बुद्धि में बुद्धि साधना के लिए 10 बाण और कर्म साधना के लिए 20 बाण। अब ये दोनों बाण में भी रावण नहीं मरे तब भगवान राम कृपा करते और कृपा के अग्नि बाण, कृपा के अग्नि बाण से रावण के वध करते और रावण के वध करते और रावण के वध हो चुके हैं। लेकिन आज रावण की जो कुप्रभाव है, रावण के जो बदबू है, वो हर भारत के हर कोना कोना में फैले हुए हैं। एक ऐसे थी आज हमन हर साल रावण मारथन। रावण वास्तविक में भगवान राम हा लंका में जाके वो दुराचारी दुष्ट रावण ला वो रावण भारत के निवासी नो विदेशी अरे वो अब विदेशी हा आज हमर भक्ति स्वरूप सीता माता के हरण करके लेके तो उकरे नगरी में जा करके लंका में जा करके भगवान राम कर अंत कर दे। अब पुनः भजन के बाद परोसे के प्रयास करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ माया के फंदा मति अरज गे रे मति अरज गे ना बिन भक्ति अर के स्वा ए संगवारी मो ए महतारी मो नरकम जिंदगी हो ही ना ए जीव के मैना तन ले कब उड़ जाही रे हीरा कस नर तन काया माटी मा मिल जाही रे नारी बेटी बेटा छोड़ दुनिया ले नाता तोड़ जाना किला है उदार ये संगवारी मोर ये महतारी मोर सत्य कहे तुलसीदा दुनिया मा मति अरज गे रे मति अरज गे ना बिन भक्ति अटके स्वा मैं
कजरा बाप तेरे दी रामचंद्र की जय। आज विभीषण जी महाराज भगवान राम के चरण कमल ला पकड़ थे। अब भगवान राम
भगवान राम के चरण कमल लाइकर से पकड़ते कि चरण कमल से भगवान भक्त मन के उद्धार करे। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। जिन चरण कमल के रज से गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या जो पत्थर हो चुकी रही से ओला भगवान तीन तारे हैं। जिन चरण कमल आज विभीषण जी महाराज पकड़ा थे, वास्तविक में पकड़ना चाहिए तो भगवान के चरण नहीं पकड़ना चाहिए। एक स्थिति ना गौतम के पत्नी अहिल्या हा भगवान ला बोल भले नहीं सकत रही से, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करत रही से, कही कि प्रभु आप बोला हाथ से भी कृपा मत करो, ना आंख से भी कृपा मत करो, ना हाथ से कृपा करो, ना आंख से कृपा करो, आप लग कृपा करना ही प्रभु तो आप चरण और चरण के रज से कृपा करो। काबर चरण और चरण के रज से ही कृपा करे की थे। तब विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम ने कही कि राम मुनिमन भले न्याय करी से, मुनिमन भले न्याय करी से, न्याय करके एला दंड दे दे, लेकिन ते न्यायाधीश उद्धार कर। तब भगवान राम उकर सामने में जाते जा करके भैया अहिल्या के बात न सुनते, और अहिल्या के बात न सुन के अहिल्या जो निवेदन करते कि आंख से आप कृपा मत करो, काबर यदि आंख से कहीं देखिया आंख उठा के देखिया तो मैं दोषी है बाबा, और दोषी देखे के बाद जेन आंख से कृपा करे बर कोशिश करिया तो दोषी देख के आप अपन आंख मूंद लिया प्रभु। एकर से ये आप आगे हा जान के धरो चाहे अनजान के धरो, आगे अपन प्रभाव ला नहीं भूले, जाने अनजाने में मुझसे पाप हो चुके हैं, एकर से आप आंख से भी कृपा मत करो, ना हाथ से भी आप कृपा मत करो प्रभु। काबर हाथ में आपके धनुष बाण है, जिन हाथ से आप कृपा करे बर उठाओ हाथ आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाए के बाद आप देखिया तो मैं पापनी ना हूं, जिन हाथ से आप कृपा करे उठावा तो आप दंड देके विचार करने लग जाओ। एकर से आप हाथ से भी कृपा मत करो, आप लग कृपा करना ही है तो चरण और चरण के रज से, जिन चरण लाज विभीषण जी महाराज पकड़े तो चरण और चरण के रज से ही काबर कही, चरण और चरण रज ने एकर से कही कि भगवान के चरण से गंगा जी के प्रादुर्भाव हो, और गंगा मैया सब पापी से पापी लतार देते, उकर पाप से रहित कर देते, ता जाने अनजाने मोर गलती होए हुई ओला पाप ला रहित कर दा प्रभु। एकर से चरण से आप और रज से कृपा करो, जिन चरण ला आज विभीषण जी महाराज भगवान राम के चरण ला धरे, और धर करके सुंदर भगवान की उपदेश ला सुनते, औ काका होते हमार मन के मेरा बन के लबतिक संकेत है। आवा एक प्यारा से भजन के बाद आप मन से सादर विदा लेबो, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम। आओ जय के बिरहवे अंतिम एक भजन स्वर्गीय लक्ष्मण मिश्र जी की रचित ये भजन जिला विशेष करके हमारे केदारनाथ जी स्वर्गीय केदारनाथ गुरुदेव के वाणी के द्वारा ज्यादा सुने हुए लोकगीत ला मैं छत्तीसगढ़ी हूं, एक लोकगीत आप ला सुनाए प्रयास कर जाते हैं। Mm-hmm.
छत्तीसगढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा गढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा गढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़िया रे खेतीखार संग मोर मितानी हम मयारू हिंदू अपानी मोरी जिंदगानी मैना गरी होगा किसन के बड़े दिया हल धनिया मोरे मैं छत्तीसगढ़िया मोरे मैं छत्तीसगढ़िया मोरे रतन बेटा बढ़िया मोरे पर की सेवा मोर किसानी धान पानी सावैया मैला हरिया रे मोर चंदनी गोदा मैला हरिया रे मैं छत्तीसगढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा गढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जी हां, श्री राम रसिया मानस परिवार चमारी खुलसरा के साथ हम सब जुड़े हुए थे और निश्चित रूप से संध्या के नील गगन में छिड़की है कुमकुम लाली। अजी संध्या के नील गगन में छिड़की है कुमकुम लाली। आप लोग क्यों बैठे हैं खाली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोर बजा दो ताली। समर विजय रघुपीर के चरित सुन ही सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हीं दे ही भगवान, तिन्हीं दे ही भगवान। बहुत ही सुंदर भाव, महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके अस दृढ़ होई दृढ़, सुनो सखा मत धीर। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण और रावण में घोर भयंकर युद्ध मचे महतारी हो, धर्म और अधर्म के लड़ाई है ना, और जे में अगर धर्म में हमला चलना है तो कल ये का करे लगी है ना, तो कही गोस्वामी जी हा सौरज धीरज ते ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका राम
सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम अब काकी कि बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रज तोरे जेकर पास सौर्य है जेकर पास सौर्य और धैर्य रूपी रथ के पहिया है जेकर पास सत्य और सील रूपी सदाचार मजबूत ध्वजा पताका है और जेकर पास बल विवेक दम ये जतका भी इंद्रिया है तेल वश में करे के शक्ति है जेकर पास है ना दया क्षमा करुणा ये जो चार घोड़ा है तेल समता रूपी डोर में बांध के चलाए के क्षमता है वही है युद्ध में ओकरे विजय हुई है ना तभी कि गोस्वामी जी की महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर है ना ऐसे नहीं कहे कि ये युद्ध रामे जी थी है ना बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जोरदार ताली बजाओ और मैं सादर आमंत्रण भेजा हूँ श्री राम की गर्मानस परिवार कर्मदा के हमारे संत मल्ला और आपके विदाई के लिए श्रीमती रजनी ठाकुर सचिव कन्हेरा और परमादरणीय पवन निषाद जी और सुनील शुक्ला जी आप तीनों आइए और हमारे संतों का ग्राम कन्हेरा की ओर से आयोजक समिति की ओर से एक छोटी सी श्रद्धा सुमन भेंट करने की कृपा करें और आपके सम्मान में ढेर सारी पुष्पों की वर्षा आप है संतोष कुमार भारती 50 रुपया राम कुमारी यादव भिलाई कुम्हारी 21 रुपया टिंपल सानिया कान्हा निषाद 50 रुपया जोरदार ताली बजाइए चैत्र राम निषाद 20 रुपया कुमारी निषाद 20 रुपया युक्ति वाणी जयश्री विद्या खेतिया आप सभी की ओर से 20 रुपया और चतुरु निषाद 20 रुपया और मैं आप सब अवगत कराता हूँ कि जैन मंडली बैठी तेकर आखिरी में श्री राघव के राम रामायण के महा आरती होना है ना जमे आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता के लक्ष्य निर्धारण हुए हैं 251 थाली सजाए के लक्ष्य आयोजक समिति निर्धारित करेंगे 251 थाली ला पूरा सम्मान श्रद्धा सुमन समर्पित कर ही आयोजक समिति है अतः आप जम्बो जन से मोर करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आओ और सुंदर भगवान के मंगल आरती में सम्मिलित होकर के अपन जीवन धन्य बनाओ चतुर निषाद जी 20 रुपया सुहानी वीर तुष्टि 21 रुपया भुवनेश्वर निषाद योगेश्वरी तुषांत आयुष निषाद 100 रुपया राही भाई 10 रुपया दुर्पक निषाद 10 रुपया और राशि बंजारे 10 रुपया और पुष्पेंद्र निषाद 10 रुपया तिलक रवि मधु तेजस्वी मोनिका निषाद सब परिवार 200 रुपया एक बार जोरदार ताली बजाइए और नारद निषाद 10 रुपया कौशल्या भूमि यादव 30 रुपया और जगतु निषाद की ओर से आपके सम्मान में 10 रुपये की स्नेह राशि प्राप्त हुआ है मैं दान देने और लेने वाले को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संतो राघवेंद्र सरकार की ऐसी अनुकंपा से विविध संस्कृतियों का संगम है मेरा मानस दर्शन और गंगा जमुनी तहर जीव सिखाता मेरा मानस दर्शन यही गोदावरी छिपरा गंगा संगम का किनारा है पतितों को पावन करती बहती गंगा की धारा है अजी बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को देखिए अब कन्हेरा में कुंभ जैसा नजारा है कुंभ जैसा नजारा है कुंभ जैसा नजारा है एक बार जोरदार तालियां ज्ञान आपकी प्रस्तुति की हर अदा हमें सुहाना लगे आपकी प्रस्तुति की हर अदा हमें सुहाना लगे एक अदा चुरा ले यदि आपको बुरा ना लगे एक अदा चुरा ले यदि आपको बुरा ना लगे आप भले ही भूल जाएंगे कुछ पल में ही हमें लेकिन आपको भुलाने में हमें सारा जमाना लगे हमें सारा जमाना लगे हमें सारा जमाना लगे एक बार जोरदार तालियों के साथ जी हां विदाई की इस वेला में संध्या रामचंद्र की जय